सभी पेरेंट्स को नमस्कार जो लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम दिनेश दादीच है। सालासर बालाजी के पास मेरा गांव भीमसर है। मैं सीएलसी में टीम केमिस्ट्री का मेंबर हूं और मेरे को टोटल इस फील्ड में 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 2 ईयर एक्सपीरियंस मेरा सीएलसी में है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे को सीएलसी में आके लगा, मैंने काम खूब किया, लेकिन सीएलसी में आके लगा कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में काम नहीं कर रहा हूं, किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा हूं, किसी कोचिंग में काम नहीं कर रहा हूं, एक परिवार में काम कर रहा हूं, जहां परिवार में काम करते हुए मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं और मेरे को पर डे मेरा कर्तव्य याद रहता है। ऐसा कभी लगता नहीं है कि मैं इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूं। टॉपिक हमारे सर ने खूब बातें की, एक टॉपिक में मैं बात करना चाहूंगा कि हमारा जो सीएलसी का रेस्पेक्टफुल माहौल है, सीएलसी में जो रेस्पेक्ट मिलती है हमें अपने डायरेक्टर सर से, मतलब डायरेक्टर सर में नहीं बोलना चाहता हूं, यहां पे अगर डायरेक्टर सर से आप लाइव में समझ जाते हैं, अगर मैं अपने कहता हूं कि अपनी कोचिंग के अपने मुखिया के नाते बॉस से जो सम्मान, जो हमें अपनापन मिलता है, मैनेजमेंट से जो अपनापन मिलता है, उसी अपनापन का हम असर ये रहता है कि हम लोग क्लास में बच्चे को बिल्कुल परिवार की तरह, बच्चे को बिल्कुल उनके गार्जियंस की तरह, क्योंकि हमें खुद अपने बॉस मीन्स अपने सर बिल्कुल बच्चे की तरह पालते हैं। तो हमें अपने बच्चों में भी, हमें स्टूडेंट्स में भी यही देखने को मिलता है कि जो अपने को रेस्पेक्टफुल माहौल देना है, रेस्पेक्टफुल माहौल प्रोवाइड करना है। आगे अगर मैं इस बात को कंटिन्यू करूं तो जैसे हमारे रेस्पेक्टफुल बात करता हूं, तो जैसे एक बात बड़ी है, जैसे भगवान श्री कृष्ण एक सारथी का काम करते हैं, वैसे हमारे बॉस दिन रात हमारे लिए सारथी का काम करते हैं और हमें साथ लेके चलते हैं और बच्चों को उनके मुकाम तक लाने का पूरा प्रयास करते हैं। हम लोग दिन रात लगे रहते हैं, यही एक वो ताकत है जो रेस्पेक्ट के साथ एक टीचर को चाहिए। नेक्स्ट अगर बातचीत करूं तो इस मॉडर्नाइजेशन के जमाने में, इस पैसे के जमाने में अगर आप रेस्पेक्टफुल देखते हो तो हमारे लिए, हमारे बॉस के लिए एक बच्चों का सम्मान, और इस मॉडर्नाइजेशन के जमाने में जो पेरेंट्स की दुआएं मिलती है, वो दुआएं हमें ये माहौल जनरेट करने की ताकत देती है, ये क्षमता देती है कि हम इतना काम कर पाए। तो यहां जो एनवायरनमेंट पढ़ाने के लिए मिलता है, मैं कहता हूं कि शायद ऐसा कोचिंग इंडस्ट्री में आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। ओके, जे सीएलसी।